नमस्कार, मैं राजू बिस्त, दार्जिलिंग सांसद। मैं एक ऐसे भारत को देख रहा हूँ जो धीरे धीरे विश्व गुरु के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। दुनिया का सबसे युवा शक्ति वाला राष्ट्र जो दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ स्वच्छता और पर्यावरण के क्षेत्र में दुनिया को नई दिशा देने वाला मेरा देश भारत। लोग जैसे धरोहर से दुनिया को जोड़कर स्वस्थ रहने की शिक्षा दे रहा मेरा भारत। ग्रीन रिवॉल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करता भारत। डिजिटल इंडिया को मजबूती देता मेरा देश भारत। भ्रष्टाचार और आतंकवाद से मुक्त भारत। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के मोदी जी के मंत्र को हर क्षेत्र में साकार करता भारत। मैं एक बेहतर कल के प्रति आश्वस्त हूँ। लोकतंत्र के मंदिर में होना मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है। ऐसे सदन जिनके बारे में मैंने अब तक केवल किताबों में ही पढ़ा था, वहाँ अपनी उपस्थिति पर मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ। पहली बार बने सांसद के रूप में सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। जिन लोगों को मैं केवल टेलीविजन में देखता था, आज उनके साथ बैठ करके कैंटीन में चाय नाश्ता करना एक अलग ही खुशी देती है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को सीखना, अपनी नज़रों के सामने इतिहास को बनते हुए देखना एक विशेष अनुभूति होती है। मैंने सदन में पहली बार अपनी आँखों के सामने इतिहास बनते देखा जब आर्टिकल 370 को रद्द किया गया और देश में वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला लागू हुआ। लोकसभा चुनाव में जो लोगों का मुझे प्यार और सम्मान मिला, आज वही प्यार और वही सम्मान मुझे उन लोगों के लिए दिन रात मेहनत करने को प्रेरित करता है। मैं अपने क्षेत्र दार्जिलिंग को रोल मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र की जनता के लिए मेरी प्रायोरिटीज इस प्रकार है। क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, चाय बगान और सिंखोना बगान में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना, मेरे क्षेत्र के लोगों को भूमि का अधिकार दिलाना यानी प्रजापट्टा दिलाना, दार्जिलिंग क्षेत्र को हायर एजुकेशन हब बनाना, दार्जिलिंग क्षेत्र को इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना तथा उचित स्वास्थ्य व्यवस्था दिलाना, हर घर जल योजना के माध्यम से वाटर सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना और साथ ही नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया का ट्रेडिंग हब बनाना। इन सब वादों को पूरा करने के लिए मैं अपना 100% एफर्ट लगा रहा हूँ और इसके लिए मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अमित शाह जी का भी मार्गदर्शन लगातार मिलता रहता है। मैं अपने क्षेत्र के लोगों के साथ इंटरेक्शन और संपर्क करने के लिए हमेशा ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता हूँ। मैं इन्फोग्राफिक्स, वीडियोस और फोटोज के माध्यम से अपने काम और हमारी सरकार की इनिशिएटिव को सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करता रहता हूँ। ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन मुझे ट्विटर से मिलती रहती है और नेशनल सब्जेक्ट्स पर मेरे विचार मैं अपने फॉलोअर्स के सामने रखता हूँ। हालांकि कई बार मुझे डांट भी सुननी पड़ती है, पर इससे मुझे लोगों को सुनने और समझने का मौका भी मिलता है। मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गोरखा, जय श्री राम।